आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूं मेरा एक क्वेश्चन है सर कि एक बंदा योगी है उसको कैसे पहचान सकते हैं हम आप योगी बनेंगे तो ही पहचान सकते हैं सर मेरा क्वेश्चन है कि पिछले साल से जो आपने ब्रह्म विद्व और ब्रह्म विद्व का उपाधि दिए लेडीज लोगों को तो उनमें डिफरेंस क्या है और क्यों दिया जाता है अभी भी हम लोग को क्लियर नहीं है और अगर मुझे पाना है तो मुझे और क्या करना चाहिए आप सब कुछ कर चुके हैं आप भी ब्रह्म विधविषा बन चुके हैं थैंक यू सर पर क्यों दिया जाता है सब जानना चाहिए क्यों दिया जाता है हमारा संतुष्टि के लिए देते हैं यह आपकी काबिलियत के ऊपर नहीं है हमें अच्छा लगता है आपको ब्रह्म विद्वरिष्ठा पुकारने से चार होते हैं ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्वरा ब्रह्म विद्वरिष्ठा ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्वरा ब्रह्म विद्वरीय ब्रह्म विद्वरिष्ठा ब्रह्म मिस जो अपने आप को पूरा पूर्ण तरह समझ लिया उसी में सीनियर होता है बस उतना ही बात है आप अपने आप को जान चुके हैं ना पूरा पूरा नहीं जा। जान चुके हैं आप <laughs> you, मैं आपको नीता बोजवानी को ब्रह्म रिश्ता कहता हूं you, आपने बस कह दिया मुझे मिल गया बस फर्स्ट वन आध्यात्मिकता क्या है आ, हम तो खैर आपसे जाने हैं लेकिन जो लोग अभी भी पूजा पाठ में या कर्म कांड में लगे हैं इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और सिर्फ अध्यात्मिकता को कैसे फॉलो किया जाए आध्यात्मिकता का अर्थ है सबका सुनने के लिए तैयार होना मैं आपका नहीं सुनूंगा नहीं सुनना चाहता हूं अगर आप कहते हैं तो यह आध्यात्मिकता नहीं है मैं आपका भी सुनना चाहता हूं मेरा भी आपको सुनाना चाहता हूं और आपका भी मैं सुनना चाहता हूं अगर आपके पास ऐसा है तो आप आध्यात्मिक है ना ये पूजा सिर्फ तार है ना ही ध्यान से ओपन माइंड Open mind is spirituality, closed mind is materialism. ठीक है? We want open minds. That is spirituality. Closed minds anti spirituality. ना ये पूजा के ऊपर निर्भर है, ना ध्यान के ऊपर निर्भर है, ना ही स्वाध्याय के ऊपर। Day to day life हम जो जी रहे हैं वो डे टू डे लाइफ में जो औरों को सुनने के लिए राजी होते हैं कानों में डालने के लिए वो आध्यात्मिक है मैं आपका सुनना नहीं चाहता हूं आप आध्यात्मिक नहीं मैं दोनों कानों से भी सुनना चाहता हूं और एक ही मुंह से बोलना चाहता हूं ये आध्यात्मिकता है मैं दोनों कान बंद कर लो और मेरे मुंह चलाऊ ये आध्यात्मिकता नहीं है मुंह को कभी कभी खोले परंतु तो कान हमेशा खुले हुए रहते उसे खुले हुए रहना चाहिए बंद नहीं करना चाहिए तो ये है आध्यात्मिकता प्योर ओपन माइंडेडनेस इज स्पिरिचुअलिटी ठीक है ना दूसरा क्वेश्चन क्या है थैंक यू सो मच सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप भी सेल्स के प्रोफाइल में रहे हैं या बात सिर्फ सेल्स की नहीं है जब हमारे पास बहुत सारे जवाबदारियाँ जब, होती हैं हमें बहुत सारे काम निभाने होते हैं तब डिसीशन मेकिंग प्रायरिटी को किस तरह से डिसाइड किया जाए जब बहुत सारे काम एक साथ हो आपको बहुत कुछ संभालना हो आज आप जिस पोजीशन में इतना कुछ लाखों लोगों को साथ में लेते हुए किस तरह से इसे कर हमारे पास छोटे छोटे काम भी आ जाते तो हम कंफ्यूज हो जाते इसको पहले करे ये करे वो करे तो ऐसे समय में कैसे डिसीजन लिया जाए और सही डिसीजन कैसे लिया जाए जैसे बोला गया है टू बी और नॉट टू बी मिलियन डॉलर क्वेश्चन करें या ना करें यह हमेशा बहुत मुश्किल बात है परंतु जब आपके पास ध्यान है यह कोई मुश्किल की बात नहीं है जब ध्यान नहीं होता है तो हर चीज मुश्किल बन जाती है क्या करे क्या ना करे क्या, क्या बोले क्या ना बोले क्या सोचे क्या ना सोचे परंतु तो जब आपके पास ध्यान होता है बस तो आपको तुरंत ही स्पष्ट हो जाता है मैं क्या कहूं क्या नहीं कहूं क्या बोलूं क्या ना बोलूं क्या करूं क्या करू, ना करूं आपको अंदर से स्पष्टता आ जाती है इंट्यूशन मिल जाता है खूब ध्यान करें तभी तो इंट्यूशन मिलती है जिन लोगों के पास ध्यान नहीं है इंट्यूशन नहीं होता है That is why we want दैट इज वाई वी वॉन्ट मेडिटेशन सो दे इन साइड क्या करे क्या ना करे अपने आप में स्पष्टता मिल जाती है महिला ध्यान करके, करके शाकाहारी बन गए हैं लेकिन जो उनके फैमिली मेंबर्स है वो अभी भी मास्क खा रहे हैं तो क्या करना चाहिए हम क्या करेंगे उनको छोड़ देंगे कैदा सब्री आकर इधर वो ऐसा पति के पास हम नहीं रहेंगे वैसे घर में हम नहीं रहेंगे बाबा क्यों रहना ये कैदाश आ जाइए आप। आपके घर का सवाल है क्या नहीं सर सभी महिलाओं का ये सवाल है <laughs> मेरे घर का नहीं मेरे घर में सभी शाकाहारी हैं लेकिन बाकी महिलाएं हैं जो अभी हम जीटीपी पी भी कर रहे थे तो बहुत सारे महिलाओं का ये क्वेश्चन था या चुपचाप घर में बैठो या घर छोड़कर भाग आओ हम औरंग को कैसे बदल सकते हैं उनका जिंदगी है उनका हक है वो जैसा जिया चाहते हैं वैसा जिएंगे एक इंसान का और एक इंसान के ऊपर अधिकार नहीं वो पति हो सकता है पत्नी हो सकती है अगर उनके साथ रहना मंजूर है आपको तो रहिए अगर मंजूर नहीं है तो घर छोड़ दीजिए पति को छोड़ दीजिए पत्नी को छोड़ दीजिए बच्चों को छोड़ दीजिए माता पिता को छोड़ दीजिए बाबा ऐसे आश्रम है आश्रम में आ जाओ घर क्यों रहना आश्रम भला क्यों बना गया इतने सारे आश्रम है क्यों बनाए गए ऐसे लोगों के लिए जो जिनको घर में शांति नहीं मिलती जिनको घर में सहकार नहीं मिलती तो ऐसे लोग उनका आश्रम है घर छोड़ दीजिए आश्रम में आ जाइए आश्रम में नहीं आना है तो पति के साथ रहना चाहिए समझौता करना चाहिए उनकी जिंदगी उनकी आपका जिंदगी आपकी वो घर में मांस मांस का आप शाकाहारी बनेंगे उसमें क्या आपत्ति है आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर आप घर में रहना चाहते हैं तो अगर ऐसा पति नहीं चाहते हैं, तो घर छोड़ दीजिए आप हर एक स्त्री एक क्षत्रिय नारी बनना है यानी अपने आप के लिए लड़ना चाहिए गुलामी नहीं होना चाहिए कोई स्त्री कोई गुलामी नहीं गुलामी के लिए नहीं करना क्षत्रिय बनना चाहिए राजा बनना चाहिए ऐसे पति से जीने के लिए गुलामी चाहिए घर चुनने के लिए राजा बनना चाहिए बाबा अरे बाबा किस जन्म में आप राजा बनेंगे काल करे सो आज, आज कर आज करे सो अब पद में प्रलय हो गए करोगे कब कब घर छोड़ेंगे आप कब क्षत्रिय बनेंगे कब क्षत्रिय नारी बनेंगे मीरा के पति मीरा को चाहता था परंतु तो मीरा कृष्ण को चाहती थी उनके पति ने बोला आप विष पी लेना पी ली वो क्षत्रिय स्त्री है गुलामी थोड़ी की है वो मीरा आपको भी मीरा के जैसे रहना है घर में है तो पति के साथ नहीं कृष्ण के साथ रहना है पति का बात सुनते हुए कृष्ण को नहीं छोड़ी मीरा छोड़ी क्या घर भी नहीं छोड़ी परंतु कृष्ण को भी नहीं छोड़ी हो घर से बाहर नहीं निकली परंतु घर में मरने के लिए तैयार है ऐसे पति से जीने के लिए तैयार नहीं काश हर एक स्त्री ऐसा मीरा जी के से तो कितना अच्छा होता ये स्त्री लोग मरने के लिए तैयार नहीं मीरा जी के लिए जैसे हा? अरे बाबा मरने के लिए तैयार होना चाहिए हम मीरा को मानते हैं आपके द्वारा मीरा जी को हम याद करें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू वेरी मच मैं सब कुछ कहता हूं सब कुछ कहने का अधिकार है मेरे पास आपको जो करना है वो कर रहा सोनम रायपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रही है कि कैसे पता चलेगा कि हम ध्यान में उन्नति कर रहे हैं ये जूम में कई लोग का experience बताते हैं थर्ड आई का तभी भी उन लोगों को लगता है कि हमको कुछ नहीं दिख रहा तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं एक पेड़ है एक पौधा है आज आप देखे हैं कल भी देखे हैं एक एक दिन में उसका फर्क आपको महसूस करेंगे क्या उसका अर्थ यह है क्या कि वो प्रगति नहीं तरक्की नहीं करी एक दिन में थोड़ी दिखेगा आपको एक साल में दिखेगा यहां से यहां तक हुआ? आपका बच्चा कल और आज में कुछ फर्क है क्या आपको पर तो दस साल में फर्क तो नजर आएगी आपको बिल्कुल उसी तरह ध्यान का भी आपका महत्व आपको एहसास होगा एक साल के बाद छह महीने के बाद एक दिन में नहीं ठीक है ना आ, एक और क्वेश्चन है कि आत्मा की आवाज और मन की आवाज को कैसे समझे क्या डिफरेंस है दोनों में आत्मा का आवाज हमेशा पॉजिटिव होती है मन का आवाज हमेशा नेगेटिव होती है अगर नेगेटिव है तो वो मन का बात है अगर पॉजिटिव हो तो आत्मा की बात Thank you, sir. Uh, शील रंगपुर नागपुर से पूछ रही हैं गुरुदेव मैं सृष्टि को बदलते हुए देख रही हूँ मेरा कर्तव्य बोध करवाएं किसी का भी कर्तव्य कुछ भी नहीं बस साक्षी बनकर रहना औरंग का भी साक्षी और अपने आप का भी साक्षी हमें कोई करने की आवश्यकता नहीं है हमें साक्षी बनना है सब कुछ बदलते हुए रहता है और लोग भी बदल बदलते रहेंगे हम भी बदलते रहेंगे हम अपने आप के भी साक्षी बने और उनका भी साक्षी बने यही तो आध्यात्मिकता है साक्षी बनना साक्षी का अभ्यास करना हमें हम कोई बदलने का नहीं है दूसरों के दूसरों को भी उनके बारे में भी सोचने पर सब कुछ घट रहा है सब कुछ हो रहा है जो हो रहा है अपने आप हम हमें साक्षी बन रहे सर युग परिवर्तन क्यों हो रहे हैं वाई युगा हमेशा समल होना चाहिए बरसात नहीं होना चाहिए आपको फिर शिशिर नहीं होना चाहिए क्या बात है हर दिन बदलते ही रहता है सुबह होता है फिर धूप हो जाती है फिर रात हो जाती है सूरज वही क्यों नहीं रहना बदलता क्यों सुबह इधर इधर है फिर शाम में उधर क्यों है सूरज अच्छा लगता है क्या एक ही जगह है तो, तो युग एक ही होता है तो क्या बाता? अच्छा लगता भरत रहना चाहिए कभी खुशी कभी गम सिनेमा आया ना यस सर एंटायर इंडिया इज रिलीजियस हाउ टू कम हाउ टू ब्रिंग आउट डेम इंटू स्पिरिचुअलिटी जो धार्मिकता हमने पकड़ के रखा है यू कांट मेक एनी बड़ी स्पिरिचुअल यू कैन ओनली मेक वन पर्सन स्पिरिचुअल दैट इज स्पिरचुअल

लेकिन हमें खुद परेशान नहीं होना है वो हमें देख... अगर आप परेशान होते हैं और उनके परेशान के द्वारा आप तो आध्यात्मिक तो है ही, ही नहीं आप आप एक बकवास की चीज है और लोग रोइे आप भी रोएंगे और उनसे क्या संबंध है आपको यू आर नॉट कनेक्टेड टू अदर्स नॉट कनेक्टेड टू यू तेलुगू में बोलते हैं यवर की वारे यमुना तेरे यू आर नॉट कनेक्टेड टू अदर्स अदर्स आर नॉट कनेक्टेड टू यू योर लाइफ इज प्योरली योर लाइफ इमिनेटिंग फ्रॉम योर सेल्फ एसन का मतलब है स शरीर हम ऊपर जाना शरीर यहां नहीं छोड़े अरे तो हमेशा हमें हमें शरीर छोड़ना ही पड़ता है हम ऐसा समझते हैं ऐसा कोई बात नहीं यह आपकी चॉइस है मुझे बताइए आप कर्तल में कितने दिन रह सकते हैं हा? क्यों एक साल क्यों नहीं रह सकते हैं आप इधर क्यों नहीं रह सकते आप जिंदगी आप भर यहां क्यों नहीं रह सकते पति को नहीं छोड़ना तो इधर नहीं रह सकते आप अगर आप पति को नहीं छोड़ सकते तो यहां नहीं रह सकते हैं आप परंतु तो यहां रह रह सकते हैं अगर पति को छोड़ने का एक ख्याल तो भी आ गया तो रह। आप यहां आपको तो ना कहते हैं क्या कैलश कभी भी ना नहीं कहते परंतु तो आप ना कह रहे हैं मैं कैलाश में एक ही दिन रहूंगा मेरे पति मेरे इंतजार कर रहा है आपको कैलाश से पति ज्यादा है तो वैसे ही होगा पति से भी ज्यादा कैलाश ज्यादा होना तो अब ऐसा होगा मुझे मृत्यु तो आना ही है ऐसा सोचेंगे तो मृत्यु तो आएगा मुझे कैसे मृत्यु तो आएगा मैं छा तो वैसे ही होगा आपके सोच आप के ऊपर निर्भर है आप कैलाशपुर में एक साल रह सकते हैं जिंदगी भर रह सकते हैं मैं तो जिंदगी भर के लिए यहां यहां हूं आप क्यों नहीं रह सकते हैं बाबा अगर मैं रह सकता आप क्यों नहीं रह सकते? हैं? मैं पत्नी को छोड़ दिया आप पति को नहीं छोड़ना चाहते है? स शरीर सभी लोग जा सकते हैं ऊपर संकल्प रखना चाहिए अटूट थैंक यू सर सर वो मैम ने क्रिस्टल का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि क्रिस्टल कैसे हेल्प करते हैं मेडिटेशन में शायद था ना ऐसे ही था क्वेश्चन तो प्लीज सर उसको भी हिंदी में आप बता दीजिए थोड़ा सा क्रिस्टल आपको मदद नहीं करती है क्रिस्टल को देखते हुए आपको मदद मिलेगा मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूं बल्कि तो मुझे देखते हुए आपको मदद मिलेगा गीता तो आपको मदद नहीं करेगी आप पढ़ेंगे तो मदद करेगी क्रिस्टल क्या मदद करेगा आपको क्रिस्टल देखते देखते आप मुझे भी क्रिस्टल के जैसे बनना है आपको एक ख्याल आएगी तो वैसे आप, आपको मदद करेगी वो ख्याल आने के लिए क्रिस्टल की आवश्यकता है मेरे जैसे बनने का ख्याल आने के लिए मेरा आवश्यकता है मैं आपको मदद नहीं कर सकता ये मदद मांगना भूल जाइए या क्रिस्टल से या कोई आदमी से इंसान से संत से उनके जैसे बनना सीखो क्रिस्टल के जैसे बनना सीखो ठीक है सर वेंकटेश जी हैं महाराष्ट्र से वो पूछना चाहते हैं आप हमेशा भगवान अपने अंदर होता है अपने अंदर नहीं है मंदिर में नहीं ऐसा बोलते हैं मंदिर में भी नहीं है अंदर भी नहीं है हम हैं बस हम हैं भगवान अपने अंदर नहीं है अंदर, ना अंदर की बात है या बाहर की बात है हम स्वयं भगवान हैं तो सर उनका कहना है कि इस वजह से कभी धर्म के ठेकेदारों ने आपको धमकियां दी है आपको कभी धमकियां अरे मुझे नहीं? मारने के लिए भी आए हैं मुझे खत्म करने के लिए भी आए हैं परंतु तो आज तक खत्म नहीं हुआ मैं अरे जीसस गज को खत्म किया मुझे खत्म करने में क्या मुश्किल है कभी भी हो सकता कभी भी हो सकता है एक क्वेश्चन एवरीबडी वन सी फाइनल क्वेश्चन ओके के कल्याणी गोंटा केल से पूछ रही है कि लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए आप लहसुन नहीं खा सकते हैं अगर आपको आध्यात्मिकता चाहते हैं तो अगर आपको आध्यात्मिकता नहीं चाहिए तो लहसुन भी खाइए इंसान को भी खाइए हमें कोई आपत्ति नहीं है परंतु तो अगर आपको आध्यात्मिकता चाहिए सात्विकता चाहिए तो लहसुन को छोड़ दीजिए क्योंकि लहसुन एक राक्षस के द्वारा सृष्टि की गई और राक्षस गुण होते हैं जो राक्षस के द्वारा सृष्टि की गई राक्षस गुण होते हैं लहसुन नहीं खाना चाहिए बस मैं खाऊंगा खाइए थैंक यू वेरी मच